हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, राइट? वैसे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पहले हम सोच रहे थे कि 7 डेज 7 मिनी ब्लॉग्स चैलेंज करें, एंड हमने 3 मिनी ब्लॉग्स अपलोड कर भी दिए थे। बट फिर 2nd मिनी ब्लॉग से आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आने लगे कि बड़े ब्लॉग्स चाहिए, बड़े ब्लॉग्स चाहिए, कल बड़ा ब्लॉग ज़रूर लेके आना। तो फिर हमने सोचा कि इस तरह से कंटिन्यूसली मिनी ब्लॉग्स वाली चैलेंज नहीं करता है, मिनी ब्लॉग्स भी लेके आएंगे लेकिन वो कभी कभी। तो हमने सोचा आज बड़ा ब्लॉग करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ लंच अपना। लंच में है खिचड़ी, साथ में होममेड बटर मिल्क जो एकदम मस्त ठंडी ठंडी है, एंड यहाँ पे मम्मा ने ना आज अभी अभी जस्ट बनाया है गुलाब जामुन, तो वो भी है आज। तो गर्मा गर्म मीठे मीठे गुलाब जामुन, गर्मा गर्म स्पाइसी स्पाइसी खिचड़ी और साथ में ठंडी ठंडी बटर मिल्क को एंजॉय करके मैं अपना करती हूँ लंच, एंड फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे वी आर सो हैप्पी कि आप लोगों को 7 डेज 7 कलर चैलेंजेस बहुत पसंद आई। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं लोकल मार्केट में, फिर यहाँ पर भी कुछ शॉप्स और मॉल्स वगैरह में जाने वाला है, तो मैं आपको मिलती हूँ लोकल मार्केट में जाके। तो हमने ना एक्चुअली ऐसा सोचा कि वैसे भी लोकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और स्पेशली इवनिंग के टाइम पर, एंड रास्ते भी बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो फिर कार पार्किंग वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना। तो इस बार ऐसा करता है, वैसे यूजुअली हम लेके भी जाते हैं अंदर छोटे छोटे रास्तों में, एंड यहाँ पर ना हम फर्स्ट स्टॉप में आ गए और वहाँ पर बहुत सी नेल पेंट्स है, एसेसरीज़ है, हेयर की भी है, एंड स्टेप्स है, नेकलेस ब्रेसलेट्स वगैरह भी बहुत है। तो वहाँ से हमने इयररिंग्स ली, एक्चुअली नेकलेसेस भी देखे बट हमें जैसा चाहिए था वैसे थे नहीं, तो वो नहीं लिए, इयररिंग्स ही ली। अभी जाता है कहीं और फिर देखते हैं वहाँ से मुझे क्या क्या मिलता है। और 3-4 शॉप्स में देखा बट वहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। तो कार ना हमने की है थोड़ी सी दूर पार, तो अभी हमें ऑटो करके कार के पास जाना है और वहाँ से हम जाएंगे दूसरी शॉप्स और मॉल्स वगैरह। वैसे काफ़ी बार ना छोटे छोटे रास्तों में भी हम कार को लेके जाते हैं लाइक थिन रोड्स में, बट इस बार स्टेप से सोचा क्योंकि टाइम सेव हो एंड हमें शॉपिंग का टाइम ज्यादा मिले। फाइनली आ गए कार में। वैसे नहीं, यहाँ पे क्राफ्ट की स्टेप्स की आइटम्स भी होती है ना, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा भी लेते हैं। तो उसमें से हमने 2-3 थिंग्स ली, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और बाद में ना हम गए एक दूसरे सेक्शन में जो था स्क्रंची वाला सेक्शन, वहाँ पर से ना मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का स्क्रंची चाहिए था तो वो लिया। फिर साथ साथ में हेयर एसेसरीज वगैरह के सेक्शन में गए और इस बार काफ़ी मस्त मस्त एसेसरीज लाइक न्यू स्टॉक होता है ना, तो उसमें इस बार काफ़ी इतनी मस्त मस्त आई थी तो वो हमने ली। तो अभी हम वापस कार में तो बैठ गए हैं लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इतनी वैसे आई थिंक नहीं है, मतलब आई थी बट हम अंदर थे तब काफ़ी ज़्यादा आ गई, अभी काफ़ी कम हो गई है। तो अभी नेक्स्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी नेक्स्ट में तुम्हें एक जगह पे लेकर जाती हूँ, वहाँ पे जा रहे हैं। ओके, वैसे यहाँ से हमने ये सब शॉपिंग की, काफ़ी मज़ा आया शॉपिंग करके। मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया है। हमारे ये वाले डेस्टिनेशन पर हमें कुछ शेल्स भी मिले, क्रिस्टल बीड्स भी मिले, वुडन बीड्स भी मिले, एंड कुछ पर्ल्स भी मिले, काफ़ी मज़ा आ गया। बारिश आ रही है और अम्ब्रेला लेके तो आए नहीं है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, बारिश कम होते ही फिर बाद में जाते हैं। आज तो क्राफ्ट एंड स्टेशनरी आइटम्स की इतनी सारी शॉपिंग की ना, मतलब ये लास्ट वाले शॉप से तो इतनी सारी क्राफ्ट की आइटम्स ली। तो हम आ गए हैं घर पर एंड मम्मा कर रहे हैं डिनर की प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट डिनर बनने को आया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है आज डिनर में। ये देखिए, तो डिनर में है आज ढोकले। अभी मम्मा बन रहे हैं कि सब बन गए? नहीं, अभी कंटिन्यू है, मतलब इतने बन गए फिर इसी में वापस रखने रहेंगे। ओके, एंड ये देखिए अभी इवनिंग हो गई है, ऑलमोस्ट नाइट होने को आई है एंड बारिश अभी रुक गई है। तो जब तक डिनर एकदम रेडी हो रहा है मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाती हूँ जो हम लेके आए हैं, एंड साथ में मैं भी देख लेती हूँ। ओके, तो मैं करना डिनर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हो गया तो तुम्हें दे देती हूँ, तुम्हें भूख लगी थी तो गर्मा गर्म बैठ जाओ। ओके, मैं मुझे भूख लगी थी तो मैं गर्मा गर्म बैठ जाती हूँ। गर्मा गर्म दो प्लेट्स बन गई है तो तुम्हें गर्मा गर्म देती हूँ। ढोकला क्या है कि गर्मा गर्म खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो मैं बैठ जाती हूँ। इट्स जस्ट सो सॉफ्ट एंड टेस्टी, मज़ा आ गया आज तो। वैसे ढोकले आपके भी फेवरेट है क्या?
तो डिनर हो गया है फ्रेंड्स, एंड डिनर करके ये सारी थिंग्स मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके बैठ गई हूँ। यहाँ पर है सारे एसेसरीज एंड यहाँ पर है सारे क्राफ्ट एंड DIY का सामान। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता है, ये है शेल्स। देन यहाँ पर ना ब्रेसलेट, नेकलेस इस तरह से हम बना सकते हैं ना, वैसी थिंग्स है। ये एकदम ही राउंडेड है, आई मीन फ्लैट राउंड है, एंड इसमें ये स्ट्रिप भी आई है जिससे हम बना सकते हैं। फिर ये ना मुझे लगता है एकदम ग्लॉसी है, लेकिन थोड़े से ऐसे लाइट कलर्स है एंड ये डार्क कलर्स है। फिर ये तो लाइक एकदम वुडन टच वाला है ना, काफ़ी मस्त लग रहा है। और हाँ, एकदम टाइनी टाइनी छोटे छोटे, अभी तो पता नहीं कि इसे मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, बट इतनी मस्त जगह पर यूज़ करूँगी और इससे हम कुछ मस्त मस्त DIY बनाएंगे ना, और आप भी मेरे साथ बनाएंगे ना। फिर इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक ब्रेसलेट वगैरह बनाने में। फिर ये ना कुछ प्लास्टिक टाइप्स के है, एंड ये तो ना उसमें बहुत ही क्यूट लग रहा है, आर शेप में है, और इसका ना कुछ इस तरह से आया है मतलब। फिर ये भी उस टाइप से ही है, बट ये है फ्लावर में। एंड ये दोनों हम पेस्ट भी कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर होल्स भी है तो हम लगा भी सकते हैं। क्या करूँ इससे, मैं कुछ DIY कुछ कार्ड बनाऊँ या फिर कुछ करूँ उसमें पेस्ट करूँ या फिर ब्रेसलेट वगैरह में कहीं पर यूज़ करूँ, देखा जाएगा। आइए, फिर ये ना एकदम छोटे छोटे मस्त मस्त डेकोरेशंस है। वैसे आपको ये ज़्यादा पसंद है या फिर बड़ी साइज़ वाले ज़्यादा पसंद है? एंड ये एकदम मस्त ग्लॉसी बीड्स है, शाइनी है, एंड इसमें ना ज़्यादातर ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स है। ये है फ्लावर्स, मैं ना आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ, वैसे मैंने अभी ओपन करके नहीं देखे। ओ वाओ, इस टाइप के फ्लावर्स है। वैसे इसका ना कलर बहुत प्रिटी है, वायलेट। एंड ये है पर्ल्स, लेकिन ये देखिए ये कैसे फुल पर्ल्स है, उसमें वैसे है ये हाफ पर्ल्स। एंड इसको हम स्टिक कर सकते हैं, वैसे है ये है वुडन टच में, एंड काफ़ी प्रिटी कलर्स है। और हाँ, ये है वैसे है बटन्स टाइप, लेकिन ये ना हम अलग अलग टाइप से जैसे ये सब यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कार्स वाले, देन ये हार्ट्स वाले, प्रिटी प्रिटी हार्ट्स है। अरे हाँ, ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, इसमें कैरेक्टर्स भी काफ़ी मस्त है। ये क्राउन तो इतना प्रिटी है ना, और हार्ट, स्टार, बाकी भी बहुत कुछ है। फिर ये अगेन वायलेट वाला, लेकिन ये ग्लॉसी और शाइनी टच में है थोड़ा सा। और इसमें भी है कुछ कैरेक्टर्स, मुझे तो लग रहा है वैसे इसमें ये है एप्पल्स या फिर कोई और फ्रूट है, पता नहीं है क्या, लेकिन कैरेक्टर काफ़ी प्रिटी है। डेकोरेशंस तो है, लेकिन मुझे ना ये फेदर्स काफ़ी अच्छे लगे। एंड अगेन ये रेड कलर में है वैसे, और ये भी आ गया। ये तो बड़े बड़े काफ़ी मस्त है, और इसमें ना जो होल्स है ना वो भी एकदम बड़े बड़े हैं। ये ब्लैक कलर में है, ग्रीन, पिंक, वायलेट। एंड ये आपको पता है ये क्या है, ये देखिए ये ना ग्रेप्स है एक्चुअली, लेकिन ये इतनी मस्त तरीके से डिज़ाइन की गई है ना कि इसमें हम ऐसे थ्रेड रख देंगे ना तो भी काफ़ी मस्त लगेगा, लाइक ऐसे ब्रेसलेट बनाएंगे तो। एंड फिर साथ में ये भी आया है, और ऐसे टाइप का और भी एक था, हाँ हाँ ये भी आया है वैसा ही, और ये भी अगेन रिपीट। एक्चुअली ये ना काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी मस्त मस्त है। और ये आप देख रहे हैं, ये है शर्ट का बटन, तो मतलब कोई भी शर्ट का ऐसे बटन निकल जाए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस जोक। तो ये तो सारे हैं DIY एंड क्राफ्ट रिलेटेड स्टफ, लेकिन यहाँ पर है एसेसरीज। तो लाइक मुझे काफ़ी यूनिक जो जो एसेसरीज लगी ना वो हमने ली, स्पेशली उसमें है स्क्रंचीज, स्क्रंची वैसे ये वाला एक है, देन हेयर एसेसरीज है, एंड साथ में कुछ ऐसे इयर रिंग्स हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हाँ स्टार्ट यहाँ से करते हैं ना। ये काफ़ी प्रिटी वाला क्राउन है, और ये इस तरह से ऐसी क्लिप है तो लाइक लगाने में भी बहुत ईजी रहेगा। चलिए एक लगा के ही देखते हैं कैसा लगेगा, कुछ इस टाइप का लगेगा। अभी तो अच्छे से पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो दो सागर चोटी है। देन यहाँ पर ये दोनों पैर में है, एक पैर रबर की एंड एक पैर ये हेयर क्लिप्स की। कभी भूख लगे तो ऑफकोर्स यहाँ से खा सकते हैं, देन हाँ लॉलीपॉप भी भूख लगे तो खा सकते हैं। क्लाउड्स, रेनबो, स्क्रंची, स्क्रंची वैसे एग्जैक्टली ऐसे कलर का मेरे पास था नहीं। ये हेयर क्लिप्स ना मुझे काफ़ी यूनिक लगी, मतलब मेरे पास नहीं है ऐसी हेयर क्लिप्स। ये इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट रबर्स है ना, कि ऐसी मैंने अगर सागर चोटी की है और यहाँ पर लगाया है तो भी मस्त लगेंगे। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, एवरीवन स्क्रीम्स फॉर आइसक्रीम। वैसे ये आइसक्रीम नहीं है, ये कैंडी है। और यहाँ पर है कुछ ऐसी इयर रिंग्स, ये ब्लैक थीम पर है, ये थोड़ी येलो एंड पर्पल थीम पर है, थोड़ी सी ब्राउन भी है। एंड हाँ, ये तो मुझे काफ़ी मस्त लगी, लाइक यहाँ पर ना ये ग्लिटर्स है ना वो तो इतना मस्त इफेक्ट दे रहा है, साथ में ये है गोल्डन, तो एकदम मस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है ना। और ये है पिच कलर में, साथ में कोकोनट ट्री है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है ना। तो अभी तो ना मैं शॉपिंग करके थोड़ी सी थक गई हूँ, तो डायरेक्टली मैं ब्रश करके सो जाने वाली हूँ।
लेकिन आने वाले व्लॉग्स में आपको कुछ मस्त मस्त देखने को मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। वैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में पूरा का पूरा नहीं सोचा, लेकिन बहुत सारी थिंग्स के बारे में थोड़े थोड़े आइडियाज़ आ रहे हैं। एंड ये सारी थिंग्स में से आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आई नो ये डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा ना। एक काम करते हैं, ये सारी DIY एंड आर्ट सप्लाइज और एसेसरीज मैं आपको थोड़े से एक फ्लो में दिखा देती हूँ, तो शायद डिसाइड हो पाए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझसे तो डिसाइड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। अगर डिसाइड हो पाए तो मुझे कमेंट में बता सकता है, वरना मिलता है कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल ब्लॉग। बाय बाय।